हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अक्सर मुझसे सवाल किए जाते हैं जो कि बहुत फनी होते हैं कि फटाफट एक बार में कंसीव करने के टिप्स बताइए। ये प्राकृतिक क्रिया है और इसको प्राकृतिक तरीके से ही होने दीजिए। तो आप सभी के लिए बहुत ही फटाफट से पांच ऐसी खास टिप्स बताने वाली हूँ। उनमें से जितनी ज़्यादा टिप्स आप फॉलो करेंगे, अगर पाँचों टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके गर्भधारण का जो सफ़र है बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको कंसीव होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबका शरीर अलग होता है। किसी की बॉडी में डिसऑर्डर कम होता है, एक आध महीने में ठीक हो जाते हैं और कंसीव होता है। किसी को समय लगता है, तो आपको धैर्य रखना है, कम से कम 3 से 6 महीने टिप्स को ट्रिक्स को समझते हुए फॉलो करना है। तो आइए सबसे पहले ट्रिक समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है जल्दी कंसीव करने की, वो है टी। आप सोच रहे होंगे चाय से गर्भधारण? जी हाँ, चाय जो कि फर्टिलिटी टी है, जैसे कि कैमोमाइल टी, रास्पबेरी टी, ये तो खास टी है। इसके अलावा भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए मैंने अलग अलग टी पे वीडियो बनाया है। तो आप कैमोमाइल या रास्पबेरी टी को यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनको आप लीजिए। अगर आप हफ्ते के 7 दिन लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपको अगर दूध की चाय या कॉफ़ी की आदत है तो खुद को थोड़ी शुरुआत में छूट देते हुए हफ्ते में 5 दिन आप फर्टिलिटी टी लीजिए, 2 दिन या कभी 1 या 2 बार आप मिल्क की टी ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी बच्चेदानी की मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके शरीर से एग जो ओविलेट होता है उसकी प्रक्रिया को नियमित करता है। तो फर्टिलिटी टी आपके अंडों को रिलीज करने में और गर्भ को स्थापित होने में, दोनों ही कंडीशन में बहुत ही फायदेमंद है। तो फर्टिलिटी टी आपके लाइफ स्टाइल में होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं और पुरुषों के एग और स्पर्म क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे टिप्स बताती हूँ, बहुत सारे सप्लीमेंट बताए हैं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स जितने भी हैं अच्छे नहीं हैं, तो उनको ठीक करने के लिए डाइट और न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चीज़ें भी हैं। आप त्रिफला दे सकते हैं, आप उड़द के दाल की खीर बना के दे सकते हैं, आप मुलैठी का जो मेरा फॉर्मूला है उसको भी दे सकते हैं, और वो आयुर्वेदिक है और साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड है। इसके अलावा लौंग दे सकते हैं, आप मखाना दे सकते हैं उनको स्नैक्स के फॉर्म में। टमाटर और अनार, ये जेनेटिक डिफेक्ट्स को भी दूर करते हैं, 6 से 8 हफ्ते ज़रूर दें और नियमित दें। इसके अलावा अश्वगंधा, मका रूट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप उसे भी हस्बैंड को दूध के साथ दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको नियमित व्यायाम ज़रूर करना है, रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट। डेली 20 मिनट हमें ज़रूर करना है, साथ ही सनबाथ। अगर आप खुली धूप में करते हैं, आप 20 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन खुले में आप वॉक कर ले रहे हैं, अभी कोविड है, पैंडेमिक का टाइम है, बाहर निकलने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी आपको, लेकिन आप अगर अपने टेरेस पे घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा डेली महिलाओं को लैग अप द वॉल यानी कि विपरीत करनी आसन जरूर करना है। कहते हैं सोई हुई प्रजनन शक्ति भी विपरीत करनी आसन से जागृत हो जाती है। इसके अलावा संपर्क के बाद आपको 4 पिलो लगा के या हस्बैंड की हेल्प से स्टूल रख के थोड़े दिन 10 मिनट पैरों को ऊंचा रखना है। ये लैग अप की ट्रिक से बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव किया है और आप भी इसे जरूर फॉलो करें। पॉइंट नंबर 3, कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत महत्व है। 250 ग्राम डेयरी यानी कि दूध या उससे बने प्रोडक्ट, छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में 250 ग्राम मिल्क मैंने बताया है, उसी से एवरेज आप दही पनीर का अनुपात निकाल लीजिए। इतना आपको डेली इस्तेमाल करना है, जिससे कि अच्छा प्रोटीन मिलने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो अंडे बहुत अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, और अच्छी क्वालिटी के अंडों से गर्भ जल्दी ठहरता है। 12 महीनों में से सभी महीनों में बेस्ट क्वालिटी एग महिला के शरीर से नहीं आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हमारे शरीर से बेस्ट क्वालिटी अंडे रिलीज हों, ताकि गर्भधारण सरल और सहज हो जाए। जितनी हरी सब्जियां हैं और दालें हैं, वैरायटी की सब्जियां और वैरायटी की दालें अपने खाने में डेली 1 सर्विंग ज़रूर रखनी है। जितने वैरायटी के अनाज आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अवेलेबल है, वो सभी आप रोटेशन में यूज़ करें। ध्यान रखें 2 फल आपको रोज़ खाने हैं, साथ ही फिग, अंजीर और मुनक्के का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, रात को भिगो के सुबह सबसे पहले आपको उसको खाना है। ये पोषण का भंडार है, एक तरह से बॉम्ब है न्यूट्रिशन का, तो आपके शरीर में पोषण की, आयरन की, कैल्शियम की, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की कमी है, तो वो सरलता से पूरा कर देगा, वो एक दवा की तरह है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। 5वीं बात है गर्भधारण के लिए सप्लीमेंट, और ये बात छूट नहीं सकती, ये बात बहुत ज़रूरी है। गर्भधारण से पहले सप्लीमेंट का लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब गर्भधारण हो
तो शिशु के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट या डिसऑर्डर ना हो, जैसे कि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, शरीर में एनीमिया रहेगा अगर तो ना ठीक से ओव्यूलेशन होगा ना इम्प्लांटेशन होगा। उसी तरह कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, जिंक बहुत ज़रूरी है एग को फर्टिलाइज होने के लिए, ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, अगर आपको पीसीओडी है तो इनोसिटॉल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको कई सारे सप्लीमेंट बताए हैं, अपने चिकित्सक की परामर्श जहां से आप इलाज ले रहे हैं उनकी परामर्श से या मेरे वीडियोज़ को फॉलो करके आप बिल्कुल नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 चीज़ों को, जो कि बहुत सरल है, आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, और इससे आपका गर्भधारण का रास्ता सफर बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही महिला स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।